विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। गढ़वा से दिनेश की रिपोर्ट। जिला गव्य विकास कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2020-21 के लाभुकों को वितरण हेतु दुधारू पशु मेला का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान उपायुक्त गढ़वा श्री राजेश कुमार पाठक के द्वारा जिला गव्य विकास कार्यालय परिसर में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त गढ़वा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2020-21 के तहत दुधारू पशु मेला आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य जिले को दूध उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ग्राम स्तर पर दूध उत्पादन के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, दूध उत्पादन के लिए नई तकनीकी संबंधी प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्य, उपभोक्ताओं को उचित दर पर शुद्ध दूध एवं शुद्ध जन पदार्थों की आपूर्ति करना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभुकों के लिए अलग अलग अनुदान की राशि निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत 2 दुधारू गाय, 5 दुधारू गाय की मिनी डेयरी, 10 दुधारू गाय, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, एमडी बोरिंग, हस्त चलित चारा मशीन व विद्युत चलित चारा मशीन इत्यादि योजनाएं हैं, जिसमें प्रगतिशील पशुपालक व अर्थता को पूर्ण करने वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे। कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा यह एक अच्छा प्रयास है, अभी जो भी लाभुक यहाँ मौजूद हैं अपने पसंद से पशुओं का चयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पशुओं के चयन के लिए लाभुकों का पहले ही चयन किया जा चुका है, जिसमें आगे यह प्रयास रहेगा कि लाभुकों की सुविधा को देखते हुए इसे प्रखंड स्तर पर मेले का आयोजन कराया जाए, ताकि लाभुकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बताते चले कि उपायुक्त गढ़वा के द्वारा मौके पर 2 महिलाओं को एक गाय का वितरण किया गया, जिसमें उपायुक्त गढ़वा ने महिलाओं को उत्साहित करते हुए कहा कि पशुओं की देखभाल अच्छे से करें, इसे समय पर चारा, साफ सफाई व इसके स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आज आपके यहाँ लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है, यह काफी हर्ष की बात है। इसके दुग्ध को खाने के साथ इसे बिक्री और अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं, तथा आप इस प्रकार की योजना से जुड़ने के लिए आसपास के लोगों को उत्साहित करें। मौके पर उपायुक्त गढ़वा श्री राजेश कुमार पाठक के अलावा जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर धनिकलाल मंडल, डॉक्टर गौतम कुमार, डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार, विधायक प्रतिनिधि अशर्फी राम एवं अन्य लोग उपस्थित थे।